We use C language for all people, like आप students हैं तो आपके लिए भी useful है and working professional के लिए भी useful है because it has various different features and they are very important features you can say. तो मैंने आपको जो discuss किया था कि C जो है ये आपको structured programming approach follow करते हो आप इससे modular programming approach है कि you divide your task into sub task. General purpose language है, you can build different type of programs here and it has rich set of operators. Operators like you have plus, minus, all these type of different operations. Next here, it has libraries with different functions and it is a middle level language because C is actually a high level language which can use the features that can only be used by low level language. Like ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेजेस में मिलते हैं हमें तो सी ऑल्दो इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज बट इट हैज द कैपेबिलिटी टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द रजिस्टर्स ऑफ सीपीयू ऑपरेट ऑन देम एंड बाय दिस फीचर इट कैन वर्क लाइक ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट मिडल लेवल लैंग्वेज एंड इट इज पोर्टेबल I mean the program written in C can be run on any other machine. यानी आपने एक मशीन पे अगर प्रोग्राम लिख लिया मतलब एक टाइप ऑफ मशीन पे तो आप उसी प्रोग्राम को किसी दूसरी मशीन के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो तो एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एंड आपको जो चेंज है अगर होगा भी तो बहुत ही माइनर चेंज होगा बेसिकली अब आज का लेक्चर हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है सी दिस प्रोग्राम तो दिस प्रोग्राम के ना क्या हमने है फर्स्ट लाइन मैंने एक्सप्लेन किया था पहले भी एक बार कि इंक्लूड stdio.h दिस इज द लाइन विच इज यूज टू इंक्लूड दिस पर्टिकुलर फाइल इन टू योर सी प्रोग्राम यानी आपने जो सी का प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर ये एक फाइल है stdio.h h स्टैंड फॉर हेडर फाइल तो हेडर फाइल्स जो होती है कुछ फाइल्स ऐसी बनी हुई हैं कि वो फाइल्स जो हैं वो आपको हेल्प करती हैं कि आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ फीचर्स जो हैं उन फीचर्स को एग्जीक्यूट करने में उन फीचर्स को रन करने नेक्स्ट लाइन जो है वो एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताने के लिए कि कॉन्स्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था दीज आर द वैल्यूज विच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तो इस तरह की वैल्यूज को हम एक बार बताने के लिए कि ये वैल्यू क्या होगी हम डिफाइन नाम स्टेटमेंट यूज करते हैं नेक्स्ट इज मेन मेन एक्चुअली सी का साथ ये है कि वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कंसेप्ट तो ही बट सी के अंदर मॉड्यूलरिटी इतनी ज्यादा यूज हो रही है कि एवरी टास्क इज डिवाइडेड इंटू सब टास्क या फिर हर एक टास्क को एक टास्क मतलब उन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन बना दिया तो इसलिए उन्होंने जो मेन है मेन टास्क है उसको भी एक फंक्शन की तरह वो डिफाइन करते हैं सी के अंदर मतलब इस तरह से डिफाइंड है कि मेन भी एक फंक्शन ही है तो इसीलिए उसको नाम मेन दे दिया कि कंपाइलर जब भी आपका प्रोग्राम रन करेगा तो वो सबसे पहले मेन को सर्च करेगा मेन के थ्रू जो है आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और बाकी सब फंक्शन जो है मेन के थ्रू ही कॉल किए जा सकते हैं और वो कॉल करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से हो सकता है कि मेन किसी फंक्शन को कॉल करे फैक्टोरियल को हो सकता है फैक्टोरियल किसी और फंक्शन को कॉल करे एडिशन वाले को इस तरीके से तो हो सकता है बट सारे फंक्शन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेन के थ्रू ही कॉल होंगे तो नेक्स्ट वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं द वेरिएबल दीज आर द वैल्यूज विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन तो ये वैल्यूज जो है वो आपकी चेंज होती रह सकती है नेक्स्ट हमारा क्या था कि एक प्रिंट स्टेटमेंट थी पहले जो मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं बताई थी कि किस तरीके से लिखी जाती है बट ये एग्जैक्ट है दिस इज द वे हाउ वी राइट ए प्रिंट स्टेटमेंट इन सी तो प्रिंट एफ एंटर ए एंड बी एक्चुअली इसको ना भी लिखोगे तब भी योर प्रोग्राम विल वर्क ठीक है आपको रिजल्ट मिल जाएगा बिकॉज मेन तो है कि उसने ए और बी की वैल्यू रीड करनी है और वो रीड करने वाला काम स्कैन एफ से होता है Even then we write a message in printf so that कि आपको पता चले कि आपको देना क्या है क्या एंटर करवाना है
थ्री। इसीलिए एक प्रिंटर स्टेटमेंट मोस्टली हर रीड स्टेटमेंट से पहले जरूर होती है। तो रीड करने के लिए डेटा वी यूज scanf इन सी, scanf एंड f स्टैंड फॉर फंक्शन। जो ये हम ff लगा रहे हैं, प्रिंट भी लिख सकते थे f क्यों लगाया, scan भी लिख सकते थे खाली। तो f स्टैंड फॉर फंक्शन के मतलब ये एक फंक्शन है। एंड दिस फंक्शन कहाँ से आएगा फिर, ये फंक्शन है तो कैसे कॉल करोगे इस फंक्शन को, आपने तो printf नाम का कोई फंक्शन नहीं बनाया हुआ। तो दिस इज द फंक्शन विच इज इंक्लूडेड इन stdio.h। तो ये stdio.h के अंदर यही फंक्शन डिफाइंड है, इसीलिए उस फाइल को आपकी फाइल के साथ कंबाइन किया गया कि वहां से इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसको कॉल किया जाएगा। अब scanf के अंदर आपको लग रहा है %d दो ये चीजें, ये इसको लिखने का एक तरीका है और ये तरीका आपको याद रखना। वैसे आपको प्रैक्टिस से अपने आप ही याद हो जाएगा, बट यू शुड रिमेम्बर इट। तो इस तरीके के अंदर हमारा क्या, %d स्टैंड्स फॉर कि हम एक ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जो इंटीजर है। नेक्स्ट फिर से %d, नेक्स्ट वैल्यू भी जो है वो एक आपका इंटीजर वैल्यू ही है। उसके बाद कॉमा %a एंड के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो सिंबल ही है ये। एंड अब ये बता रहा है कि ए और बी में इन लोकेशंस में वो वैल्यू स्टोर कर। नेक्स्ट हमारा था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऑफकोर्स ये एक सिंपल से स्टेटमेंट है जो हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं कि ये अब आपकी ए और बी की वैल्यूज को एड करेगा एंड डेट वैल्यू इज स्टोर्ड इन सी। जो भी रिजल्ट आएगा उसको सी में स्टोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी कहती है the sum is %d। Again, if you add two integer value, the result is of course an integer. अगर आप 4 और 3 को add करोगे 7, तो वो भी एक integer आता है। तो ये तो mathematics की बात है कि आपको पता ही है कि जब भी आप दो integer को add करना चाहोगे तो आपको क्या होगा, आपको हमेशा एक integer ही मिलेगा। अब जब हम प्रिंट कराते हैं तो हमने सी के आगे एम्परसेंट नहीं लगाए। रिमेम्बर हमें एम्परसेंट प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं लगाना, दिस इज यूज्ड ओनली स्कैनफ स्टेटमेंट। सो क्या है कि सी लैंग्वेज इट फॉलो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। सो इट मीन्स द प्रोग्राम विच आर रिटन इन सी लैंग्वेज हैज ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो यहां पर आपका बिल्कुल डिफाइंड है कि किस टाइम पे आपका क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, कैसे क्या क्या स्टेटमेंट्स जो हैं ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो यहां हमारा फर्स्ट पोर्शन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है, सेकंड लिंक, थर्ड डेफिनेशन, फोर्थ ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन प्रोग्राम एंड देन सब प्रोग्राम। तो जो मेरा प्रोग्राम था उसके अंदर अभी जो मैंने दिखाया आपको, तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन पोर्शन नहीं था। कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम के अंदर हर चीज हो, आपको जो जो रिक्वायरमेंट है इसमें से वो डालिए। हाँ, लिंक ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम के अंदर होगा, मेन फंक्शन जरूर होगा, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि मेन के बिना तो आपका एग्जीक्यूशन होगा नहीं। और कोई ना कोई फाइल जो है वो आपके प्रोग्राम साथ जरूर लिंक करनी पड़ेगी क्योंकि कोई ना कोई फंक्शन तो यूज करोगे ही आप सीखा। बाकी पोर्शन जो है वो आपके ऑप्शनल भी है, बट व्हेनेवर यू यूज देम यू शुड फॉलो द ऑर्डर, यही ऑर्डर में वो एक्स लिखे जाएंगे, इस ऑर्डर को आप ऑल्टर नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर द प्रोग्रामर गिव्स द डिटेल्ड एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम। एक्चुअली दिस इज नॉन एग्जीक्यूटेबल पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। The statement returns in the documentation section are not executed by the compiler. Compiler skip them. Compiler को जब भी ये statements मिलेंगी वो कुछ भी नहीं करता है इनका, ना conversion ना इनकी execution. Because this is for the user of the program. या फिर आपको जो programmer है, अगर आपको कुछ time बाद अपना program देखना है तो आपको समझने के लिए कि मैंने इस program के अंदर क्या किया था, उस purpose के लिए ये comments जो है लिखे जाते हैं। And there can be two types of comment, the multi-line or single line. तो आप देखिए दोनों केस में वी आर यूजिंग सेपरेट सिंबल्स। मल्टी लाइन कॉमेंट्स के अंदर हम
अलग सिंबल यूज कर रहे हैं, उसमें एक हमारा स्टार्टिंग में है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम यूज कर रहे हैं, और दूसरे में हम सिर्फ डबल डबल अपनी वो लाइन यूज कर रहे हैं, बैक स्लैश जो यूज कर रहे हैं। तो दोनों केस में स्लैश, एक केस में स्लैश और आपका स्टार यूज हो रहा है स्टार्टिंग के लिए, एंडिंग के लिए फिर से आपका पहले स्टार आएगा मतलब, और फिर स्लैश आएगा। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट डालना है तो यू जस्ट नीड टू यूज टू स्लैश, क्योंकि ये सिंगल लाइन में यह पता है कि यही खत्म हो जाएगा, तो देर शुड नॉट बी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी यू कैन से एंडिंग पॉइंट, एंड आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन में इसमें खत्म। नेक्स्ट इज लिंक सेक्शन, दिस पार्ट इज यूज टू डिक्लेयर हेडर फाइल्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्राम, एंड दिस लीड्स टू द कंपाइलर बीइंग टोल्ड टू लिंक द हेडर फाइल टू द सिस्टम लाइब्रेरी। तो जो आपकी हेडर फाइल्स है उनको आपके प्रोग्राम के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था डिफाइन किया था PI 3.14, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, दिस पार्ट ऑफ कोड इज द पार्ट वेयर द ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, ऑल द ग्लोबल वेरिएबल यूज्ड आर डिक्लेयर्ड इन दिस पार्ट। आपने देखा होगा फ्लोट एरिया, फ्लोट आर, दो चीजें मैंने लिखी हुई है अगर आप ध्यान दीजिए, तो फ्लोट जो है वो आपका पहले वाला एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है एरिया फ्लोट आर, जिसकी आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर अगर लिखा हुआ है तो, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जैसे सिंपल नीचे वाली स्टेटमेंट इंट पी, यू आर सिंपली डिक्लेयर ए वेरिएबल पी एंड दिस वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल से हमारा मतलब क्या होता है, These are the variable which can be used anywhere in the program. कितने भी आपने function बना रखे हैं, उन सारे functions के अंदर हम इन variables को use कर सकते हैं। अगर आप main के अंदर variable declare करते हैं, जैसे कि जो मैंने अभी आपको एक demo program दिखाया था, उस program के अंदर हमने सिर्फ main के अंदर variables declare किए थे, तो वो variable main के अंदर ही use हो सकते हैं, वो आउटसाइड द मेन यूज नहीं हो सकते। इन केस इफ वी डिफाइंड एनी सब प्रोग्राम दोस वेरिएबल कैन नॉट बी यूज्ड इन द सब प्रोग्राम, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो है वो मेन में वो सारे सब प्रोग्राम्स में सब जगह यूज होगा। सो इफ यू वांट टू यूज सम कॉमन वेरिएबल फॉर ऑल द सब प्रोग्राम्स एंड मेन इन ए प्रोग्राम, वी डिक्लेयर देम एज ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल तब डिक्लेयर किए जाते हैं जब एक सिंगल वेरिएबल ही जो है वो हमें सब जगह यूज करना होता है। नेक्स्ट इज मेन फंक्शन सेक्शन, तो ये सेक्शन जो है ये मेन फंक्शन से रिलेटेड है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि मेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए सी प्रोग्राम। सो कंपाइलर वेन एवर इट एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम इट सर्च फॉर द मेन फंक्शन, वो मेन के थ्रू जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है आपकी। तो मेन फंक्शन अगेन हैज टू पार्ट्स, डिक्लेरेशन पार्ट्स एंड एग्जीक्यूशन पार्ट्स। तो डिक्लेरेशन पार्ट्स वेयर ऑल द वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड एंड द एग्जीक्यूशन पार्ट इज द पार्ट वेयर स्टेटमेंट्स आर रिटन, ठीक है। तो जो आपकी कमांड्स हैं, कमांड्स जो होती है उनको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सो वी राइट कमांड्स इन द एग्जीक्यूशन पार्ट, एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑल द वेरिएबल्स are declared before the execution part. यानी कि आपके जितने भी वेरिएबल हैं वो आपकी जो फर्स्ट कमांड है उससे पहले सारे डिक्लेयर हो जाएंगे। एक बार आपने कमांड लिखनी शुरू कर दी, स्टेटमेंट्स लिखनी शुरू कर दी एग्जीक्यूटेबल, फिर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकोगे। तो these statements are the action that need to be carried out in order to solve your problem. So these are the commands you can say to the computer to execute a particular task. Both the declaration and execution part are inside the curly braces. So jaise hi hum main likhte hain we use curly braces. Next is sub program section. In case if we have a sub program in your program, matlab hum ek aur main function to hai hi hai, uske additional hum ek aur function agar hum use karte hain तो फिर वो फंक्शन कैसे यूज होगा। तो उस केस में हमें सब प्रोग्राम डिक्लेयर करने हैं।
अभी आपने देखा होगा डिफाइन सेक्शन में मैंने एक जो है आपका फंक्शन भी डिफाइन किया हुआ। तो आप ये फंक्शन जो है दीज कैन बी डिफाइंड बिफोर और आफ्टर द मेन फंक्शन, यानी आप मेन से पहले भी इनको लिख सकते हो। जो आपके फंक्शन है दे आर ऑल्सो लाइक मिनी प्रोग्राम, वो अपने आप में बिल्कुल एक प्रोग्राम है। अगर आप देखो इंट एंड एड जो ये फर्स्ट लाइन को अगर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर देखिए, तो आप क्या देखते हो इंट सी, सी मतलब बिल्कुल वही चीज है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, एक एडिशनल स्टेटमेंट है रिटर्न सी। इस स्टेटमेंट से आपको अच्छे पता चल पा रहा है कि ये कुछ मेन से अलग है बिकॉज ये सब प्रोग्राम है। सो आपके सब प्रोग्राम जो है इसको कॉल करेगा, एक्चुअली सब प्रोग्राम ही इसको यूज कर सकता है, तो उसको हम कॉल करना बोलते हैं। एंड व्हेन इट कॉल इट, तो आप जब इसका सारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो द कंट्रोल शुड बी ट्रांसफर्ड बैक टू द मेन प्रोग्राम। जो आपका कंट्रोल है, जो आपकी चीजें हैं, जो भी आपका मतलब वैल्यूज हैं, जैसे रिटर्न सी कर रहा है, तो इसने जो कैलकुलेट किया है, अगर नहीं है कोई ऐसी वैल्यू जो रिटर्न नहीं करनी है तो वी सिंपली राइट रिटर्न। अगर कुछ रिटर्न करने के लिए वैल्यू है देन वी राइट रिटर्न सी। तो अब ये कंट्रोल ट्रांसफर करने के साथ साथ सी की वैल्यू भी जो है मेन प्रोग्राम को रिटर्न करेगा। तो द फंक्शन जो है, जो आपके सब प्रोग्राम्स जो आपके हैं उनका कंट्रोल जो है वापस ट्रांसफर जरूर होगा जहां से वो कॉल किए गए थे। तो यही हमारा फंक्शन है एड वाला, ये बड़ा एक सिंपल सा फंक्शन है। अब इसके अंदर इंट ए और इंट बी मैंने लिखा हुआ है एड ब्रैकेट के, बिकॉज ये वैल्यूज हैं जिसके ऊपर उसको ऑपरेट करना है। और ये वैल्यूज कहां से आएंगी, दीज वैल्यूज कम्स फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, जो फंक्शन इसको कॉल कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, जैसे मेन भी तो एक फंक्शन है, अब वो कॉल कर लेता है दूसरे फंक्शन को, वो फंक्शन किसी तीसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो जब वो कॉल करते हैं तो वो बताते भी हैं कि किस किस वैल्यूज के लिए ये काम करना है। जैसे मैं अगर आपको ऐड करने के लिए दो नंबर कहूंगी तो मैं आपको बताऊंगी भी ना कि ए और बी जो है वो हमारा क्या होगा, तो इसी तरह से बताना पड़ेगा। तो वो फंक्शन जो है वैल्यूज बताएगा और वो वैल्यूज इस तरह से ए और बी में, दिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, जो वैल्यूज है ऑर्डर के हिसाब से ही आएंगी, पहले वाली पहले में, दूसरे वाली दूसरे में। तो वो आपकी वैल्यूज आएंगी और आपको वो वैल्यूज जो है फिर वो उनको ऐड करना होगा, एंड देन यू कैन रिटर्न द रिजल्ट एंड कंट्रोल। तो आपका कंट्रोल भी ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी वैल्यू भी रिटर्न हो जाएगी। एक चीज याद रखने वाली है कि ये जो फंक्शन है मैंने आपको बताया, इट कैन बी डिफाइंड बिफोर और आफ्टर द मेन फंक्शन, यस आप जैसे चाहे मर्जी कर सकते हो, बट देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज डिक्लेरेशन एंड अनदर इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। तो आपने देखा होगा कि डिक्लेरेशन पोर्शन में ग्लोबल वेरिएबल से भी पहले, तो मैंने आपको तभी बोला जहां हम लोग वहां पर हमने जब वेरिएबल डिफाइन किए तो उससे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया। तो आपको एक फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन आपके हैं जितने भी हैं, आप डिफाइन करने का मतलब होता है कि जहां आपने कंप्लीट बॉडी लिखी है, जहां आपने पूरी स्टेटमेंट लिखी है। जैसे ये जो एड मेरा है ये मैंने प्रॉपर डिफाइन कर रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि ये क्या करेगा। बट ये वाली चीज जो है आप मेन के बाद भी लिख सकते हो, बट कि आपका एक फंक्शन प्रेजेंट है, वो एग्जिस्ट करता है, वो आपकी डिक्लेरेशन होती है बताने कि मेरे पास ये चीज है, पर अभी मैं काम नहीं करके बता रही हूँ कि क्या काम करती है क्या करती। तो वो जो डिक्लेरेशन है दैट शुड बी रिटर्न बिफोर द मेन फंक्शन, कि आप फंक्शन को कहीं मर्जी लिख दीजिए बट इट शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर द मेन फंक्शन। इसीलिए वो फ्लोट करके जो स्टेटमेंट थी, अगर आप देखो फ्लोट एरिया फ्लोट आर, तो ये फंक्शन जो है ये आपकी मेन से पहले जरूर लिखी जाएगी। बेशक आप एरिया की स्टेटमेंट जो है वो आप बाद में लिख दीजिए। और होता क्या, डिक्लेरेशन जो होती है, जो आपके फंक्शन की फर्स्ट लाइन होती है ना, वही वाली लाइन एज इट इज डिक्लेरेशन एरिया में लिख दी जाती है। तो डिक्लेयर्ड जो है
वो हमेशा पहले होगा आपका सब प्रोग्राम। हाँ, आप बाकी काम बेशक बाद में कर सकते हैं। Now we will discuss some common features of C language. These are very basic features of C language. Now the first thing when we study about any languages, character searches. ठीक है ना? जब आपने ABCD पढ़ा था, जब आपने English language सीखनी शुरू की थी, आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया, तो आपने क ख ग व शुरू कर दिया। So whenever we start to learn a new language, the first thing we have to learn the character set of that language. So C is also a language of computer. So here we have some characters that we can be used in C. So, एक language के अंदर हम क्या क्या चीजें use कर सकते हैं वो सारे के सारे जो है उसका character set बन जाता है। तो C language supports a total of 256 characters. And these characters can be used to write any statement, any expression, any variable. In C language, आप इनसे बाहर अगर कोई सिंबल यूज करोगे दैट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सी कंपाइलर एंड इट प्रोड्यूस एन एरर। सो रिमेंबर, आप जब ये यूज करना शुरू कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। वैसे भी ज्यादातर ये जो कैरेक्टर सेट के अंदर जो सिंबल्स हमारे होते हैं ये रियल लाइफ वाले ही हैं और इनके मीनिंग भी मोस्टली वही है। एक दो का मीनिंग है कि कुछ चेंज हो रहा है या दे कैन हैव सम एडिशनल मीनिंग अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, तो वो आपको यूज करते करते याद हो जाएगा। सो सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट कंटेन्स द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स। वन इज अल्फाबेट्स, सेकंड इज डिजिट्स एंड थर्ड इज स्पेशल नंबर्स। एक्चुअली आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करो, बट इवन देन वी डिवाइड देम इन डिफरेंट कैटेगरीज। सो फर्स्ट थिंग इज अल्फाबेट्स, क्योंकि हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे ही करते हैं, तो ऑफ कोर्स वही के उसी के अल्फाबेट्स हमने उठा लिए हैं। तो वो अल्फाबेट्स आपके कौन से हैं, लोअर केस एंड अपर केस, दोनों केस ये लेता है। बट रिमेंबर वन थिंग, सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोअर केस एंड अपर केस लेटर। तो अगर आपने स्मॉल ए लिखा है और आपने कैपिटल ए लिखा है, ये दोनों को डिफरेंट चीज मान के रखेगा। तो ये आपने ये चीज ध्यान रखनी है। एंड जब भी हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं वी ऑलवेज यूज लोअर केस लेटर, क्योंकि जो कीवर्ड्स हैं जो आगे हम चीजें पढ़ेंगे वो लोअर केस लेटर्स में हैं। तो अगर आप अपर केस लिखोगे तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो सी has both type of letter, upper case and lower case. Next is digits, and these are the digits which we used in the decimal number system. So of course we have 10 different digits and they are from 0, 1, 2, 3, 4 up to 9. Next thing is special symbols. So C language supports a rich set of special symbols, and these special symbols have meaning as we use our day-to-day life. जो हमारी रोज की लाइफ में है, कंप्यूटर से बाहर छोड़ दीजिए, वैसे जिस इन लाइफ में हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इन सिंबल्स को जिस मीनिंग के साथ यूज करते हैं ऑलमोस्ट वही मीनिंग जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। ऑल्दो सम सिंबल्स कैन हैव सम एडिशनल मीनिंग अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, बट जनरली दे हैव द मीनिंग विच वी यूज in our day-to-day life. For example, plus, we use it to add two numbers or to add different values. So C is also used for adding numbers, values in C language. So वही का वही meaning है. Every character in C language has its equivalent ASCII value. What is this? This is American standard code for information interchange. Actually, every key present on the keyboard has different ASCII values. क्या होता है कि कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? It can understand only the binary pattern of 1010. अगर सिर्फ 1010 का binary pattern recognize कर सकता है कंप्यूटर, how can it recognize A or some bracket? Of course,
these values cannot be recognized by the fund. नहीं कर सकता वो ए को या किसी ब्रैकेट को. तो क्या किया गया है कि इन सब वैल्यूज को कीबोर्ड के ऊपर जितने भी आपके सिंबल्स हैं, दे हैव गिवन डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी पैटर्न. द पैटर्न इन 1010 समथिंग लाइक दिस. सो एवरी की हैज डिफरेंट बाइनरी पैटर्न एंड दैट कलेक्शन ऑफ यू कैन से बाइनरी पैटर्न इज नोन एज ASCII कोड. उन कलेक्शंस को जो हमने डिफाइन जो उनको दे दिया गया है उसको एक लिस्ट जो बना ली है उनको हम कोड्स बोलते हैं. एंड वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग मेथड्स. वन इज ASCII एंड अनदर इज EBCDIC. सो वी कैन यूज एनी वन. तो सी लैंग्वेज के अंदर वो ASCII कोड यूज कर रहा है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके लिए ए ए ही है. अब वो ए की रिप्रेजेंटेशन किस पैटर्न में हो रही है आपको उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है. बट वेन एवर यू शुड नो कि वेन एवर यू प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड इट्स इक्विवेलेंट ASCII कोड वाज टेकन बाय द लैंग्वेज कंपाइलर. तो लैंग्वेज कंपाइलर जो है उसके कोड को रीड कर लेता है और वो उसके हिसाब से वर्क करता है. तो उसको पता है कि अगर ये बाइनरी पैटर्न आ रहा है इट शुड टेक दिस एक्शन. तो वो एक्शन बाइनरी पैटर्न के हिसाब से डिटरमाइन कर लेते हैं. आपके लिए वो ए ए ही है.